टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विश्व कप 2019 के बाद से भारतीय टीम के लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबला या फिर वनडे मुकाबला नहीं खेला है। बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की लगातार खबरें चलाई जा रही थीं और उनके संन्यास की अटकलें भी लगाई जा रही थी। वही बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने भी कहा था कि धोनी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, लेकिन अगले साल होने वाले वर्ल्ड टी20 के लिए धोनी को कंसिडर किया जा सकता है। जी, रवि शास्त्री इस बात का इशारा कर चुके हैं कि आईपीएल में अगर धोनी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो धोनी टीम में रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि धोनी के संन्यास पर फैसला आईपीएल के बाद होगा। अगर धोनी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो धोनी टी20 वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे, जो अगले साल ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि फिलहाल सौरभ गांगुली भी ये कह चुके हैं कि वो टीम मैनेजमेंट और विराट और कोच से पूछेंगे कि क्या महेंद्र सिंह धोनी के फ्यूचर पर फैसला किया जाना चाहिए। वहीं धोनी भी ये कह चुके हैं कि उनके संन्यास के लिए जनवरी तक कोई बातचीत नहीं की जाए। ऐसे में तमाम कयासों को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बात लगभग तय मानी जा रही है कि धोनी का संन्यास अगले साल होने वाले आईपीएल पर डिपेंड करता है। अगर धोनी प्रदर्शन करते हैं जैसा वो हर साल करते नजर आते हैं तो वो टी20 वर्ल्ड कप में जरूर नजर आएंगे, और अगर धोनी वर्ल्ड कप खेलते हैं तो उनके फैंस के लिए एक अच्छी खुशखबरी होगी। बड़ी बात यह है कि धोनी का टी20 फॉर्मेट में अच्छा रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में एक फिनिशर की भूमिका में धोनी टीम इंडिया के लिए काफी कारगर खिलाड़ी साबित भी हो सकते हैं। आपकी क्या राय है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को विश्व कप खेलना चाहिए? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। एएनपी न्यूज रूम से वीरेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।